नमस्कार साथियों, वेलकम टू सिविल एस्पायरेंट। जैसा कि आप सबको पता है, अभी चल रहे हैं सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जामिनेशन और आज पहला पेपर एशे का पेपर है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम भी सेंटर के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर बाद वो एस्पायरेंट्स बाहर आएंगे, मिलेंगे उनसे और पूछेंगे उनसे पेपर के बारे में, किस प्रकार अलग हुआ है पिछली बार से, कई समस्याएँ जो एस्पायरेंट्स को सामना करनी पड़ रही है, क्या वो अभी है या नहीं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, इनके बारे में जानेंगे थोड़ी देर बाद। और तब आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश। सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। तो सर, यदि बात करें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की और इसकी, तो ऐसे का कुछ चेंज हुआ या? ऐसे अप्रॉक्सीमेट नहीं है, वही लेवल है इसका। और कह सकते हैं कि जो फिलोसफिकल ऐसेज हैं, और इस बार थोड़ा सा आप कह सकते हो कि स्टैटिक पोर्शन भी में भी आप लिखा जा सकता था। पहले फिलोसफिकल बेस था, लेकिन अभी भी फिलोसफिकल है, लेकिन स्टैटिक पोर्शन भी कुछ आया उसमें, उसके बेस पर भी आप लिख सकते हो उसमें। तो ऐसे के लिए आपने कोई टेस्ट सीरीज या फिर कोचिंग ज्वाइन की? हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी IAS बाबा से, और साथ में अपने प्रैक्टिस किया था प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन का। और आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस है। यदि बात की जाए कि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए थोड़ा सरल है और साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा मतलब कमज़ोर लग रहा है, ऐसे बोलते हैं? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। ये तो बस प्रैक्टिस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो और जितना ज़्यादा आप ओपन माइंडेड हो, मतलब चीज़ों को इंटरेक्ट करना अच्छी तरह सीख गए हो चीज़ों के बारे में, और प्रीवियस आपने प्रैक्टिस करा काफ़ी अच्छा, तो चीज़ें उसी हिसाब से इंक्लाइन हो जाती हैं। तो आपने प्री कितने में निकाला? हाँ, प्रीलिम्स कितने में निकाला? कितने में निकाला मतलब आईसेंस? मतलब प्रीलिम्स कितनी बार में के लिए? तो मतलब ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस है मेरा। अच्छा, फिर प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आप? प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं शायद प्रीवियस ईयर पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, तो उसके बाद मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आया इसका कि प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको तो वो क्या होगा कि आपके माइंड में इनकल्केट हो जाएंगे पूरी तरह से, तो उससे सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाती है पास करने की। चलो, बेस्ट विशेज फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम? सपना मीना। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सिक्स अटेम्प्ट है। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था, ऐसे का था, इजी था। मतलब ये तो लिखने वाला होता है, दस दो 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 सेक्शन रहते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन चूज करना होता है। तो फिर ये यदि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें और इसके देखें, तो फिर कैसा रहा? लास्ट ईयर वाला नहीं दिया था, उसके पहले वाला मैंने दिया था, पहले से तो ठीक ही लगा मुझे, इस बार आसान लगा पहले से। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन? नहीं, मैं घर से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, विजन IAS का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कहा जाता है कि फिलोसफिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसी समस्याएं ज़्यादा आ रही है, तो उसको लेकर क्या? हाँ, फिलोसफिकल थे, दोनों ही थे, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में फिर भी थोड़ा लिख सकते थे, मतलब क्वान्टिटेटिव डेटा डाल सकते थे, पर फर्स्ट वाला तो फिलोसफिकल ही थे ज़्यादातर। आपके कितने बार में प्री निकला है? सेकेंड में से मेरा। फिर आपके मतलब प्री निकालने का क्या मतलब? एक्चुअली मैं जॉब भी कर रही हूँ, जॉब के साथ मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मतलब थोड़ा टाइम ऐसे ही हो जाता है, आधा टाइम जॉब में, आधा टाइम प्रिपरेशन। तो जॉब के साथ प्रिपेयर करना थोड़ा बिजी शेड्यूल? हाँ, लेकिन ठीक है, वो करना पड़ता है, मैनेज करना है तो फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, क्या बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेज फॉर योर फर्दर एग्जाम। थैंक यू सर।